हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेपको माइक्रो फाइनेंस की तरफ से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट है। सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें फ्रेशर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। ग्रेजुएट मतलब स्नातक डिग्री है, किसी भी विषय से स्नातक ग्रेजुएट हैं आप तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी आगे की सभी डिटेल की कौन से पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी, लास्ट डेट, हाउ टू अप्लाई एटसेट्रा, ये सारी डिटेल आगे वीडियो में हम चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है रेपको माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की, इसी में आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी देखने को। यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है, क्लिक हियर फॉर फर्दर डिटेल्स, ये भी क्लिक कर लेंगे तो डिटेल पता चलेगी। अदरवाइज करियर में न्यू ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो एक नई पेज ओपन हो रही है और इस नई पेज पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। क्लिक हियर टू व्यू द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की यहाँ मेंशन की है 19 जुलाई 2023 है, तो पहले नोटिफिकेशन पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि ये सुटेबल जॉब है आपके लिए तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से एप्लीकेशन की जा सकती है। अब कवर कर लेते हैं हाइलाइट्स क्या है एडवर्टीजमेंट के। 28 जून को ही आई है एडवर्टीजमेंट ये, और इसमें जो पोस्ट है सीनियर मैनेजर की 10 वैकेंसीज है, मैनेजर की 10 वैकेंसीज है, डिप्टी मैनेजर की 35 वैकेंसीज है, असिस्टेंट मैनेजर की 35 वैकेंसीज है और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 50 वैकेंसीज है। तो लास्ट जो दो है सीरियल नंबर 4 और 5 पे असिस्टेंट मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये दोनों मिला के 85 पोस्ट है और इन दोनों में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 4 एंड 5 के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, डिप्टी मैनेजर के लिए 30 ईयर्स है, मैनेजर के लिए 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और सीनियर मैनेजर के लिए 35 ईयर्स है। तो फर्स्ट जो दो सीरियल नंबर 1 और 2 में है सीनियर मैनेजर और मैनेजर, इनके लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनमें से जो सुटेबल कैंडिडेट है और सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब नो एग्जाम पर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्योंकि इसमें क्या है, ऑलरेडी जो वर्किंग पीपल है जो जिनके पास सफिशियंट एक्सपीरियंस है सीरियल नंबर 1 एंड 2 के लिए वही अप्लाई करेंगे, इसलिए एग्जाम नहीं लिया जा रहा। बाकी डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए पहले शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट जो सुटेबल हैं, इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जितने कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे सभी को एग्जाम देना है, ऐसा नहीं, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो ये ध्यान में रखते हुए आप एप्लीकेशन करें। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, फ्लुएंसी इन तमिल एंड इंग्लिश इज अ मस्ट एंड अर्ली ज्वाइनिंग विल बी प्रेफर्ड। तो जिनको तमिल और इंग्लिश दोनों आती है अच्छे से बोलने को, रीड राइट एंड स्पीक, मतलब बोलना भी है लिखना भी है और पढ़ना भी है तमिल एंड इंग्लिश दोनों, तभी अप्लाई करें। तो ये एक तो सबसे बड़ी कंडीशन तो यही हो गई कि तमिल और इंग्लिश आना ही चाहिए। अब इसमें डिप्टी मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में 3 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बाकी ऊपर की पोस्ट में एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर के लिए 7 ईयर्स की एक्सपीरियंस, मैनेजर के लिए 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस, डिप्टी मैनेजर के लिए 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस और असिस्टेंट मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना काफ़ी है, ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लिश एंड तमिल लैंग्वेज वाला जो एक कंडीशन है वो देख लें। सैलरी तो थंबनेल पे भी मैंने दिखा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 3.5 लाख पर एनम, 3.50 पर एनम, असिस्टेंट मैनेजर 4.30 पर एनम, मतलब ईयरली सैलरी। डिप्टी मैनेजर के लिए 5 लाख्स पर ईयर, मैनेजर के लिए 6.5 लाख्स पर ईयर एंड सीनियर मैनेजर के लिए 8 लाख्स पर ईयर। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, बाकी जो पेमेंट है वो 500 रुपीज़ है, इंक्लूसिव GST मिला के 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सिर्फ 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो सारे आपको यहाँ पर देख लेने हैं, सिलेक्शन प्रोसेस ये सब देखना है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ये सब भी देख लेना। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। इसी में करियर सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और डिटेल्स चेक कर लेनी है। एक तमिल एंड इंग्लिश दोनों
लैंग्वेज आने चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए रीड राइट एंड स्पीक में, तभी अप्लाई करें। जॉब लोकेशन तो इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो जैसा लग रहा है कि तमिल बोलना जरूरी है, तो जहां पर तमिल भाषा बोली जाती है लग रहा है वहीं पर पोस्टिंग होगी मोस्टली।